जय हिंद जय भारत मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस नई सीरीज में जहां पे मैं डिस्कस करूंगा इंटरनल कम्बक्शन इंजन के बारे में बेसिकली uh, ये टॉपिक जो है वो फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स सब्जेक्ट की यूनिट नंबर टू से है ये टॉपिक और सेकेंड uh, यूनिट में इंटरनल कम्बक्शन इंजन एंड आर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के बारे में बताया गया है तो एक टॉपिक है ब्रीफ इंट्रोडक्शन इंटरनल कंबक्शन इंजन क्योंकि इंटरनल कंबक्शन इंजन एक पूरा सब्जेक्ट है जो अराउंड अब अबाउट फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड पेजेस में खत्म हो रहा है जिसको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना कि क्या है कंबक्शन uh, इंजन या किस तरह ये वर्क करता है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द इंटरनल कंबक्शन इन द नॉमिन ऑफ द इंट्रोडक्शन सो दिस इज अ वेरी इन अ ब्रीफ एंड अ प्रिस्क्राइब मैनर दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर द बीटेक फर्स्ट ईयर

सो दैट्स वाई मैं ये कह सकता हूं कि जो केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल आपने डाला है दैट केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू अ थर्मल एनर्जी एंड दैट थर्मल एनर्जी डू अ सम यूजफुल वर्क एंड दैट यूजफुल वर्क इज कॉल्ड अ मैकेनिकल एनर्जी सो दैट्स वाई व्हाट इज अ इंजन इंजन इज अ डिवाइस एक प्रकार की डिवाइस है एंड विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी of a fuel into a thermal energy and thermal energy is converted into a mechanical energy to run the vehicle or some useful purpose uh, to solve the uh, doing the work so that is the engine uh, for example that is a steam engine a steam engine uh, we the railway that you have steam is generate hui and that steam is uh, do some uh, generation of the power plant also uh, and uh, electricity also so this is also called a engine इंजन आर बेसिकली टू टाइप इंजन आर बेसिकली टू टाइप वन इज द एक्सटर्नल कम्बक्शन इंजन एंड द सेकेंड वन इज द इंटरनल कंबक्शन इंजन ये नाम देखिए अलग है कंबक्शन मतलब होता है फायरिंग और इंजन तो आपको बता चुका हूं कि एक प्रकार की डिवाइस जिसके अंतर्गत क्या है कि आपका एक केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू अ मैकेनिकल एनर्जी

एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन क्या है एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन वो इंजन है जिसमें हमें जो फायरिंग हो वो सिलेंडर के अंदर ना हो मतलब फायरिंग uh, आप बाहर कर रहे हो आग जो इंजन के अंदर ना जल के बाहर कहीं लग रही हो या जो फायरिंग हो रही हो वो बाहर हो रही हो इस तरह के इंजन जो कहलाएंगे दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन सो इन द इन टर्म ऑफ वट आर एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन सो दर्किंग फ्लूड गेट एनर्जी

एक्सटर्नल फॉर एक्साम्पल मैंने कहा कि आप स्टीम इंजन में लीजिए uh, तो बाहर जनरेट हो रही है और यह स्टीम ट्रांसफर कहां हो रही है टर्बाइन पे ट्रांसफर हो रही है जब ये टर्बाइन पे ट्रांसफर तो उसके लिए वर्किंग फ्लूड क्या है वो स्टीम है लेकिन ये इस वर्किंग स्टीम कहां से पहले लाई जा रही है बॉयलर से ला रही है। तो हीटिंग प्रोसेस कहां पूरा हुआ पहले टर्बाइन में सिर्फ ये सप्लाई की जा रही है सो इसमें क्या है कि जो केमिकल एनर्जी थी जो थर्मल एनर्जी थी वो बाहर से पहले दे दी गई जो बाहर से इस थर्मल एनर्जी को दिया गया सो दैट्स फाइट दिस टाइप ऑफ द इंजन इज नोन एज द एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन Second one is the internal combustion वन इज द इंटरनल where इंजन बेसिकली इंटरनल the सिलेंडर उसी के अंदर ही आपके क्या हो फायरिंग इंटरनल कंबक्शन इंजन है बेसिकली हमारे जितने भी आ, आप ऑटोमेकल ऑटोमोबाइल व्हीकल्स जो देख रहे हैं जस्ट लाइक स्कूटर और मोटरसाइकिल ये क्या है ये सब इंटरनल कंबक्शन इंजन है क्यों आपने पेट्रोल डाला या आपने डीजल इंसर्ट uh, कराया तो आपने देखा कि उस गाड़ी के अंदर ही फायर हुआ यह नहीं कि आपने कहीं से बाहर से uh, आग जला के उस सप्लाई uh, को वहां ट्रांसफर किया एंड देन द एंडल इज मूव्ड इस तरह का कोई, uh, नहीं है वो उसी इंजन में ही फायरिंग हो रही है जब इंजन के अंदर फायरिंग हो रही है दैट टाइप ऑफ द इंजन इज नोन एज इंटरनल कंबक्शन एंडजाम्पल ऑफ इंटरनल कंबक्शन इंजन इज दैट इज ऑटोमोबाइल विच इज रनिंग इन द टुडे ऑल ऑफ दिस इज द इंटरनल कंबक्शन इंजन

पेट्रोल सी एन जी पीएनजी एलपीजी आप इस तरह की फॉसिल फ्यूल्स को यूज करके आप तो नए भी जेप्ट्रोफा भी हम लोग यूज कर रहे हैं बायोडीजल फ्यूल्स भी यूज कर रहे हैं हम लोग इस तरह के फ्यूल्स को हम लोग यूज करके एंड ये फ्यूल्स क्या हो रहा है कंबक्शन हो रहा है वाटर ये कंबक्शन कैसे हो रहा है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कंबक्शन किस तरह से स्टार्ट होगा ये कंबक्शन हुआ एंड ये कंबक्शन होने से मतलब uh, यहां पे फायरिंग होने से यहां पे क्या हुआ दे द हीट हीट यहां पे एनर्जी लिबरेट हुई एंड दैट हीट एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड अ थर्मल एनर्जी एंड दैट थर्मल एनर्जी इज यूज टू रन द वेकल और डू अ मैकेनिकल एनर्जी सो दिस इज ऑल आर कॉल ऑल इज कॉल्ड हीट इंजन ये क्या हो गया पूरा पूरा हीट इंजन कहला दिया एंड द वर्किंग फिनोमिना जो है दैट इज कॉल्ड द इंटरनल कंबक्शन इंजन नेक्स्ट क्लास दिस इज दी

एयर फ्यूल मिक्सर आपके सिलेंडर के अंदर आएगा सिलेंडर सिलेंडर कुछ नहीं है जिसके 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 अंदर 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 वो पूरी होंगी इंजन की, होगी, होगी, से फ्यूल हो uh, जाएगा फ्यूल बर्न करेगा फ्यूल बर्न करने के साथ केमिकल एनर्जी वहां पे थर्मल एनर्जी लिबरेट करेगी एंड दैट थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर टू मैकेनिकल एनर्जी and mechanical energy do a specific work to run the vehicle uh, and this consists the all of the automobile so that's why intake valve ye maan lete hain intake valve hai to yahan se aapka kya hoga air uh, air plus aapka petrol mixture yahan se jayega air और petrol mixture यहां से जाएगा और air और petrol mixture petrol जब है अभी diesel होगा तो मैं बताऊंगा क्या यहां पे insert होगा ये नहीं है कि diesel जाएगा दैट second one is the exhaust वॉल्व ये क्या है दो वॉल्व है इनका भी सिग्निफिकेंस है तो पहले हम पार्ट समझ लेते हैं क्या क्या मीनिंग है तो एक तो हो गया इंटेक वॉल्व एक हो गया आपका एग्जॉस्ट वॉल्व जहां से इनको जिस पाइप के थ्रो से जोड़ा जाता है उनको इंटेक मैनिफोल्ड हैं मान लीजिए पाइप है इस तरह का और इस पाइप में दोनों वॉल्व अंदर लगे हुए हैं सो दैट इज ऑल इंटेक मैनिफोल्ड और एक पाइप है जिसमें से ये एग्जॉस्ट uh, वॉल्व लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड आपका स्पार्क प्लग ये ऊपर दिख रहा है देखिए ये डिफरेंस है जब आपका पेट्रोल इंजन होता है तो वहां स्पार्क प्लग लगा रहता है जब डीजल इंजन होगा वहां पे आपका फ्यूल इंजेक्टर लगा रहेगा अब देखिए क्या है कि नेक्स्ट uh, आगे बढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड सिलेंडर ये आपका सिलेंडर है दैट इज इज एरिया विल द मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल इसके बाद ये दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज कॉल्ड द पिस्टन ये पूरा पूरा क्या है आपका पिस्टन है और ये जो पिस्टन है ये आपका सिलेंडरकली शेप में होता है इसमें काफी चीजें आपकी अटैच रहती हैं ये सर्कुलर इन सेप मतलब इन सेप होता है इसका काम होता है मूव फ्रॉम टॉप डेट सेंटर टू बॉटम डेट सेंटर टॉप डेट दिस इज कॉल्ड टॉप अपर पार्ट ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड टॉप डेट सेंटर इसको टॉप डेड सेंटर देते इसके ऊपर पिस्टन नहीं जा सकता है। ये इसी सिलेंडर के अंदर अप एंड डाउन इस तरह से आपका क्या करता है मूव करता है अप एंड डाउन मूव करता है जब ये सबसे ऊपर वाले पोजीशन पे होता है दैट इज कॉल्ड द टॉप डेट सेंटर और जब ये नीचे वाली पोजीशन पे होता है तो दैट इज कॉल्ड द बॉटम डेट